गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया लग गया होगा कि आज मैं कौन से प्रोडक्ट की बात करने जा रही हूँ, तो हाँ आज मैं बात करने जा रही हूँ वाओ के बॉडी बटर का। तो बॉडी बटर जो है वो विंटर में काफ़ी अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। जैसे कि नॉर्मल जो बॉडी लोशन होता है वो आपकी स्किन को इतना मॉइस्चराइज नहीं कर पाता है जितना कि बॉडी बटर करता है। तो आज मैं वाओ का एक बॉडी बटर लेके आई हूँ, आज मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी आपको। तो चलिए देखते हैं कौन सा वाओ का बॉडी बटर की मैं बात कर रही हूँ। तो ये है वाओ का बॉडी बटर, तो ये ऑरेंज वाला वेरिएंट है मेरे पास। तो आज मैं इस प्रोडक्ट का आप सबके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। तो चलिए बात कर लेते हैं वाओ के बॉडी बटर के बारे में। 100 ml वाला है और इसकी प्राइस आपको 499 rupees है, और ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो चलिए बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट क्या क्या है इसमें। तो इसमें आपको स्वीट ऑरेंज, लाइम एसेंशियल ऑयल, सिया बटर जैसे काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें इंग्रेडिएंट है। सो अब बात कर लेते हैं इसको अप्लाई करने का। तो इसे आप जब शावर लेके आते हैं तब आपको इसे अपने बॉडी पे इसे अप्लाई करना है, इसको मसाज करना है आपके स्किन पे, और ये इजीली आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है। और आपके जो भी एरिया जैसे नी, फीट वगैरह जो ड्राई एरिया है आप उस पर इसका सेकेंड लेयर जब अप्लाई करेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज हो पाएगा। तो अगर आपकी स्किन अगर विंटर में ज़्यादा ड्राई होती है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए एकदम बेस्ट होने वाला है। इसमें डेमो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, वीडियो में ऐड कर दूंगी इसका डेमो भी, तो आप लोग चलिए उस डेमो को देख लीजिए। सो ये है वाओ का बॉडी बटर जो कि आउटर पैकेजिंग इसकी कुछ इस टाइप की है। सो इनकी जो भी डिटेल्स वगैरह है मैं आपको एकदम क्लोज से दिखा दे रही हूँ। तो चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने के बाद आपको इसमें से आपको एक ऐसा प्लास्टिक का जार मिलता है। वाओ की पैकेजिंग है जो कि काफ़ी अच्छी है, इसकी पैकेजिंग है प्लास्टिक का ऐसा जार है। तो मैं आपको क्लोज से इसका लुक दिखा देती हूँ। आपको शो हो पा रहा होगा और इसके MRP है 499 rupees और 200 ml इसकी क्वांटिटी है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको इसका टेक्सचर शो हो पा रहा होगा, ये वाइट ऐसे क्रीम कलर में है और इसकी फ्रेग्रेंस एकदम ऑरेंज जैसी है, काफ़ी अच्छा। आप इसे बॉडी लोशन की जगह भी आप अपने स्किन पे इसे अप्लाई करेंगे विंटर में तो काफ़ी अच्छा ये वर्क करेगा आपके स्किन पे। देख लेते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है और इजीली आपके स्किन पे एब्जॉर्ब भी हो जाता है काफ़ी अच्छा है। और इसमें से एक काफ़ी अच्छा ऑरेंज का रिफ्रेशिंग सा स्मेल आ रहा है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप इसे विंटर में यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है, ये धीरे धीरे आपके स्किन पे एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। सो आई होप आपको आज का मेरा छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुली अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।